এবাৰ দিল্লীৰ খবৰ। ৰাজধানী দিল্লীত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। নাৰায়ণাস্থিত এটা কোম্পানীত এক বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডৰ খবৰ আহি পৰিছে। জুই জাহ গৈছে কোটি টকাৰ সা সামগ্ৰী। অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ 30খন গাড়ীৰ সহায়ত নিৰ্বাপন কৰা হৈছে জুই। এতিয়ালৈকে কিন্তু অগ্নিকাণ্ডৰ কাৰণ জানিব পৰা হোৱা নাই। এক ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডৰ বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা দিল্লীত সংঘটিত হৈছে। ৰাজধানী দিল্লীত সংঘটিত হৈছে এটা কোম্পানীত অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হৈছে, কিন্তু জুইৰ সূত্ৰপাত ক'ৰ পৰা হৈছে সেয়া এই পৰ্যন্ত স্পষ্ট হোৱা নাই। ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডৰ কোটি টকাৰ সা সম্পত্তি জুইত জাহ গৈছে আৰু জানিব পৰা অনুসৰি শেহতীয়া যি খবৰ আমাৰ হাতত আহি পৰিছে যে অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ বাহনৰ সংখ্যা বঢ়াই দিয়া হৈছে। পূৰ্বতে 12খন আছিল, কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়লৈ অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ যি বাহন সেই বাহনসমূহৰ সংখ্যা বৃদ্ধি কৰা হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। দিল্লীত এই ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু ইতিমধ্যে আমি দেখুৱাই গৈছোঁ যে সম্পূৰ্ণৰূপে তাত যি জুই সেয়া নিৰ্বাপন কৰাৰ চেষ্টা অব্যাহত ৰখা হৈছে, এই পৰ্যন্ত অব্যাহত ৰখা হৈছে আৰু যা গৈছে কোটি টকাৰ সা সামগ্ৰী। ৰাজধানী দিল্লীত নাৰায়ণাস্থিত এটা কোম্পানীত এই ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে, কিন্তু কেনেকৈ সূত্ৰপাত হৈছে সেয়া এই পৰ্যন্ত স্পষ্ট নহয়। দিল্লী খবৰ, এতিয়ালৈকে কাৰণ জানিব পৰা হোৱা নাই, অগ্নিকাণ্ডৰ কাৰণ জানিব পৰা হোৱা নাই। নাৰায়ণাস্থিত এটা কোম্পানীত এই অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে, এটা ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে, ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হৈছে। কোনো লোকৰ আঘাতপ্ৰাপ্ত হোৱা বা অন্য কোনো খবৰ এই পৰ্যন্ত আহি পৰাহি নাই, যদিও কোটি টকাৰ সা সম্পত্তি জুই জাহ গৈছে। তাবাহিক স্থানৰ দৰে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সেই অঞ্চলটো। আৰু এই মুহূৰ্তত আমি আৰু অধিক খবৰৰ বাবে সংযুক্ত হৈছোঁ শংকৰ আনন্দৰ সৈতে। শংকৰ আনন্দ, ইছ বাৰে মে হাম আপডেট জানা চাহেংগে আপছে। শংকৰজি, निश्चित तौर से आज जिस तरह से 7:10 पर दिल्ली के नारायणा इलाके में एक फैक्ट्री में आग लगी है, उसका अभी तक फिलहाल काबू नहीं पाया जा सका है। और ये आग काफी बड़ी है, क्योंकि ये जो एक आर्चिस्ट गैलरी है, आर्चिस्ट गैलरी का ये फैक्ट्री है और आर्चिस्ट का कार्ड यहाँ बनते थे, इसके साथ ही आर्चिस्ट का परफ्यूम का यहाँ पर निर्माण होता था। अगर परफ्यूम की बात करें तो ये काफी ज्वलनशील पदार्थ होता है और जैसे ही यहाँ पे आग लगा उसके बाद ये काफी तेज गति से ये पूरा आग जो है पूरे फैक्ट्री में अपने आगोश में ले लिया। हालांकि मामले की नजाकत को समझते हुए यहाँ पर तुरंत दमकल विभाग को कॉल किया गया और स्थानीय पुलिस को इस मामले की जानकारी दी गई। 23 दमकल विभाग की गाड़ियां यहाँ पे मौके पे पहुंची और आग को पे काबू पाने का प्रयास कर रही है। हालांकि अब तो बहुत कोशिश किया जा रहा है कि जितना जल्द से जल्द आग पे काबू पाया जाए, लेकिन आग जो है ये काफी तेज थी। और हालांकि यहाँ पर सबसे बड़ी बात रही कि कोई बहुत ज्यादा कैजुअल्टी नहीं हुआ, बहुत ज्यादा किसी लोगों को हानि नहीं हुआ, क्योंकि 7 बजे का जो वक्त होता है उस वक्त में जो मजदूर है, जो काम करने वाले कर्मचारी हैं, उसका आने का वक्त होता है। तो सामान्य तौर पे 8 से 9 बजे के बाद ही कर्मचारी आते हैं, तो जिस वक्त में आग लगी उस वक्त में उस फैक्ट्री में बहुत ज्यादा लोग नहीं थे। अगर लोग होते, अगर उस कर्मचारी होते तो निश्चित तौर पे हादसा बड़ा हो सकता था और उस मामले में कई लोग इससे प्रभावित हो सकते थे। तो फिलहाल राहत और बचाव कार्य वहां पे जारी है। वहां पे आसपास के जो इलाके हैं, आसपास की जो फैक्ट्रियां हैं, वहां से लोगों को निकाल दिया गया है और मौके पर पुलिस की टीम तैनात है, इसके साथ ही दमकल विभाग की टीम लगातार इस आग पर काबू पाने का प्रयास कर रही है। लेकिन शंकर आनंद, जबकि आपने कहा इलाके के बारे में थोड़ा हम जानना चाहेंगे और लगातार कोशिश जारी है काबू पाने के लिए, लेकिन इस वक्त तक काबू नहीं पा रहे, तो नुकसान कितना हो सकता है इस बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे आपसे और इलाके के बारे में थोड़ा और जानना चाहेंगे। अगर इस इलाके की बात करें तो ये इंडस्ट्रियल एरिया है और यहाँ पे कई ऐसी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं और आग पे जिस तरह से काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है, तो कोशिश की जा रही है कि आग दूसरे फैक्ट्री में ना लगे, क्योंकि आसपास में एक और भी कई फैक्ट्रियां हैं। तो अगर दूसरे फैक्ट्री में लगता है तो ये हो सकता है और बड़ा मामला हो सकता था, लेकिन दमकल विभाग ने क्या किया कि उस फैक्ट्री के आसपास में चारों साइड से अपनी टीम मुस्तैद किया गया जिससे कि वो आग आगे ना बढ़ सके। और अगर नुकसान की अगर बात करें तो देखिए, आज वैलेंटाइन डे है और वैलेंटाइन डे के ध्यान में रखते हुए जो कार्ड है, जो आर्टिस्ट का कार्ड होता है, उसको बड़े पैमाने पर छापने का कार्य चल रहा था, बड़े उसका उत्पादन करने का कार्य चल रहा था। और इसके साथ ही जो परफ्यूम होता है आर्टिस्ट का, उसको वहां पे मैन्युफैक्चरिंग की जा रही थी। तो यहाँ पे देखा लाजमी होगा क्या यहाँ पर जो फायर सेफ्टी के जो नियम कानून है उसका यहाँ पे पालन किया जा रहा था या नहीं किया जा रहा था। इन तमाम मामलों की पड़ताल की जाएगी, उसके बाद ही इस मामले पर आगे की कार्रवाई की जा सकती है। अगर इस मामले में अगर दिल्ली में आग लगने की बात की जाए तो कुछ दिनों पहले ही दिल्ली में एक होटल में भी आग लगा था, वहां भी फायर सेफ्टी का जो नियम कानून है उसको ताक पर रख दिया गया था, उस पर नजरअंदाज किया गया था, जिसके लापरवाही की वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ, 17 लोगों की मौत हो गई थी। तो अब आज जिस तरह से आग लगा है, इस मामले में दिल्ली पुलिस की टीम और दमकल विभाग की टीम लगातार मुस्तैद है और कोशिश कर रही है कि इस मामले पर ज्यादा से ज्यादा
जल्द से जल्द इस मामले पर कार्रवाई की जाए और उस आग पे जल्द से जल्द काबू पाया जाए। शंकर आनंद, आखिरी सवाल एक और कि ये जो आग है ये कहां से लगी होगी, इस बारे में कुछ जानकारी है आपके पास? देखिए, आग जो लगी है इस बिल्डिंग के, जो फैक्ट्री है, फैक्ट्री के ऊपरी वाली हिस्से में लगी है। तो इससे पहले भी देखा गया था कि जो पहले जो होटल वाले हिस्से में, उसमें भी ऊपर वाले हिस्से में लगा था और यहाँ पर भी आग ऊपरी वाले हिस्से में लगा है। तो यहाँ पर आग किस तरह से लगा, क्या यहाँ शॉर्ट सर्किट था, शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी, या कोई धूम्रपान कर रहा था, कोई यहाँ पे स्मोकिंग कर रहा था, स्मोकिंग की वजह से आग लगा है, या यहाँ पे कोई किसी तरह की लापरवाही हुई है, इन तमाम मामलों की पड़ताल हो रही है कि आग लगने की वजह क्या है। निश्चित तौर पर थोड़ी देर के बाद दमकल विभाग के अधिकारी और दिल्ली पुलिस की टीम जो है इस मामले में औपचारिक तौर पर बयान भी देगी और वजह भी बताएगी कि आखिर आग लगने की वजह क्या है। तो इस वक्त में हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि इस मामले में औपचारिक तौर पर उसके बयान का, लेकिन फिलहाल कोशिश की जा रही है जितना जल्द से जल्द आग पे काबू पाने का, और बहुत हद तक आग पे काबू पा लिया गया है। तो यहाँ पर अब इस मामले की आगे पड़ताल होगी, इसके मालिक से पूछताछ होगी, जो फैक्ट्री के मालिक हैं उससे इस मामले में पूछताछ होगी, हालांकि वो अभी तक सामने नहीं आ पाए हैं, लेकिन इस फैक्ट्री के मालिक से भी पूछताछ होगी क्या वहां पे जो तमाम नियम कानून है उसका पालन हो रहा था या नहीं हो रहा था। अगर फैक्ट्री है तो फैक्ट्री के अंदर में फायर सेफ्टी के तमाम उपकरण थे या नहीं थे, तो तमाम इक्विपमेंट को भी यहाँ पर खंगाला जाएगा कि वहां पे अगर कोई फैक्ट्री अगर बनता है तो उसको एनओसी उसको मिला था या नहीं मिला था। तो तमाम मामलों पे अभी पड़ताल होगी, अभी थोड़ा सा वक्त जरूर लगेगा, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी राहत की बात है। জি শংকৰ আনন্দ, শুক্ৰিয়া আপুনি আমি জানকাৰী দি আৰু আমি দেখুৱাইছোঁ দৃশ্যসমূহ, যে এই মুহূৰ্তলৈকে আচলতে খবৰ অনুসৰি বা আমাৰ শেহতীয়া যি খবৰ, যে ইতিমধ্যে অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীয়ে চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে জুই নুমুৱাবলৈ।